बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासिम महमूद के चैनल बावर्ची खाने में खुशामदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आज ये गुजरांवाला वाले हसन खालिद भाई की फरमाइश पे, जो उन्होंने काफ़ी 2-3 महीने पहले की थी, आज उनकी विश पूरी करने जा रहा हूँ, सॉरी लेट के लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मखनी हांडी, क्योंकि हम हांडी में बनाएंगे इसलिए इसको हमने हांडी का नाम दिया। आप अगर इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो आप इसको चिकन मखनी कढ़ाई का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले हमें 1 किलो बोनलेस चिकन चाहिए, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटवा लिया है, ठीक है। 100 ग्राम मक्खन और 2 चम्मच ऑयल चाहिए। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, क्योंकि ये मखनी हांडी है तो उसमें मक्खन का होना बहुत ज़रूरी है, आप 4 चम्मच ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, आप कम ज़्यादा कर, 1/2 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1/2 चम्मच मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, और 1 चम्मच मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, और 1 कप मेरे पास बारीक कटा हुआ बल्कि चॉप किया हुआ प्याज है, 1 पाव है ये, ठीक है। 1 पाव दही है हमारे पास, 1 चम्मच लहसुन ताज़ा कुटा हुआ, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, और ये गार्निशिंग के लिए धनिया और 3-4 हरी मिर्चें जिनको मैंने गोल गोल काट लिया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं जी। दोस्तों, तो ये हांडी जो है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं माजिद भाई, जो लाहौर में होता है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी एक ये और एक इससे छोटी। तो माजिद भाई, आज आपका गिफ्ट इस्तेमाल होने जा रहा है, ठीक है। और सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप किया था, ठीक है, वो डालेंगे, और इसको हम इसका पानी सूखने तक इसको भूनेंगे। जी दोस्तों, तो हमारे प्याज का सारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर मक्खन और तेल शामिल कर देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। जी दोस्तों, तो तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको भून लिया, बहुत प्यारी से खुशबू आ रही है। अब हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे सिवाय गोश्त के, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हमारा जो दही था वो। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। स्लो टू मीडियम आंच पे इसको हम भूनते रहेंगे ताकि अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए, उसमें फ्लेवर आ जाए। जी दोस्तों, तो हमारा ऑलमोस्ट मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी चिकन शामिल कर देंगे और उसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसको कवर करके हल्की आग पे 10 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और उसके जितने भी जूसेस हैं वो निकल आएँ। और फिर हम 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो इसको 10 मिनट हो गया, हम देखते हैं कितना हमारा गोश्त पक गया, चिकन ने अपना सारा पानी छोड़ दिया और चिकन भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी कसर बाकी, ठीक है। हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से सुखा लेंगे। साथ ही साथ हम अपना धनिया और हरी मिर्ची भी इसमें छिड़क देंगे। ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए। तो क्या करते हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो हमारी मज़ेदार सी चिकन मखनी हांडी तैयार है। उम्मीद है हसन खालिद भाई को का शिकवा दूर हो गया होगा और उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।